आज है 2 तारीख। देखते ही देखते हम साल के दूसरे दिन पर भी एंटर कर चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका कल का दिन बहुत ही बेहतर बाबा की याद में जनवरी मास का व्यक्त मास का पहला दिन बहुत ही पावरफुल बीता होगा। तो आने वाले पूरा महीना भी आपको ऐसे ही शक्तिशाली बनाए रखेगा और आपको भरपूर करता रहेगा। बस यही दृढ़ता की शक्ति को बनाए रखना है कि मुझे करना ही है। और बाप ने जो कहा है कि बाप समान बनना है, बनते ही रहेंगे, हम ही बनेंगे, तो ये दृढ़ता रख के लक्ष्य को रखते हुए लक्षण लाने का करना है पुरुषार्थ, क्योंकि जब लक्षण आ जाते हैं तो बाप समान बनना सहज हो जाता है। तो चलिए हम इसी प्रयास में करते हैं शुरुआत, रखते हैं आपके सामने कल के मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट्स। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। तुम्हें जो है किसके ख्यालातों में रहना, सर्विस के। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, व्यर्थ समय को बिल्कुल गंवाना नहीं है, क्योंकि जो है अब समय व्यर्थ गंवाने का समय है ही नहीं। और बाबा कहते हैं, अगर ज्ञानवान बच्चे बन रहे हो, पुरुषार्थ करते हो, तो उसकी निशानियाँ क्या है? वो ये निशानियाँ कि वो सदा सर्विस पर जुटे रहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में भी उन्हें बड़ी खुशी होती है, बाप भी उनसे राजी रहते हैं। वह कभी वाहियात खान पान आदि के ख्यालों में समय नहीं गंवाते, उनको कभी रोना भी नहीं आता और साथ ही कभी अहंकार भी नहीं आता कि हमने फलाने को ज्ञान दिया। हमेशा सब कुछ बाबा को अर्पण करते हैं और हमेशा कहते हैं बाबा ने दिया। इसीलिए दुखियों पर रहम करोगी बचा था, क्योंकि अब समय है दुखियों पर रहम करने का। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे कभी अहंकार नहीं दिखाओ, बड़ा ही खराब होता है, देहाभिमान गिरा देता है, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड से सीधे चकराचूर करता है, इसलिए कभी अभिमान में नहीं आना। साथ ही साथ कहते ददिचि ऋषि बनो और वैसी सेवाओं में हड्डियाँ हड्डियाँ दो, ताकि जो है अमर हो जाओ आप। साथ ही साथ सदा हर्षित मुख रहो, कभी भी रो मत, क्योंकि रोना माना खोना। बाबा कहते जो रोता है किसी और को क्या ज्ञान देगा, रोते तो विधवाएं हैं, तुम क्या विधवा हो, तुम्हारा पतियों का पति तो सदा तुम्हारे साथ है, तो इसलिए कभी रोना नहीं है, इसलिए मुस्कुराते रहो और कभी जोर से हंसो भी नहीं, ना रो ना हंसो, मुस्कुराओ, हर्षित मुख रहो। एक बाप को ही सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक याद में रहने वाले सहज योगी बनो। जब बाप को हम संसार बना लेते हैं, सब कुछ बाबा के लिए है, तन मन धन भी, संबंध संपर्क समय स्वास्थ्य संकल्प, मेरा संसार ही बाबा है, तो फिर योगी बनना तो सहज हो जाता है, हम सहज योगी बन जाते हैं। मेहनत अगर करनी पड़ती तो उसका कारण है हमारी कोई कमजोरी, इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करो तो महान बन जाओगे। तो बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी शिक्षाएं हमने तो ले ली है कल की मुरली से, अब बारी है आज की मुरली से आपके सामने रखने की। 10 नए सवाल, जिन 10 नए सवालों का देकर सही जवाब आप लेकर जाएंगे ऐसे टास्क। तो चले करते हैं सिलसिला शुरू और आपके सामने रखते हैं आज की मुरली से पहला प्रश्न। तो पहला सवाल है, आप सब बच्चे बाप के क्या करने के कार्य में समीप संबंधी हो? तो 4 ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन ए नव निर्माण, ऑप्शन बी परिवर्तन, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी स्थापना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन है नव निर्माण। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो, मुबारकी जी के पहले प्रश्न का आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, कर दिखाया है कमाल और आप जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। पहले प्रश्न में आपने मारा है एकदम माया को, छक्का से उड़ा दिया है, तो इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। पहले प्रश्न में जब हम देते हैं सही जवाब तो हिम्मत से भरपूर हो जाते हैं और बाप की 1000 गुना मदद भी हमें मिलती है। तो चलिए अभी नहीं मदद के साथ बढ़ चलते आगे, रखते हैं दूसरा सवाल। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप नए युग डैश पर रहते हो, फिलिंग द ब्लैंक्स का ये प्रश्न है, ध्यान से पढ़ना है और 4 ऑप्शन आपके सामने रखते हैं। ऑप्शन ए सत्युग, ऑप्शन बी अमरलोक, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त
समाप्तवा सही ऑप्शन सी संगम। तो बधाइयां बधाइयां और बधाइयां। देखिए फिर एक बार आप बधाइयों के हकदार बन चुके हैं क्योंकि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब और कर दिखाया है कमाल। तो मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। देखते ही देखते वैसे भी आज रविवार का दिन है और आराम से आप बाप की याद में बैठे हुए हैं तो हर प्रश्न आपको सहज लग रहे होंगे। कठिन से कठिन सवाल भी आपको लगेंगे एकदम सहज और आप आसानी से दे जाएंगे सही जवाब और लेकर जाएंगे आज से ताज। तो बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए बधाइयाँ तो बहुत सारी ली, अब ज्ञान से भी भरपूर थोड़ा हो जाते हैं। बाबा कहते आज तो मिलने और मनाने के लिए आए हैं क्योंकि 31/12 की मुरली थी इसलिए बाबा सुना रहे हैं। नव वर्ष पे भाई बहन आते हैं। बाबा कहते आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने लिए, तो नए वर्ष के लिए अपने लिए विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए प्रकृति के लिए और अपने दूर से परिवार के लिए क्या सोचा है, नए वर्ष में क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे क्या प्लान है आखिरकार, कि ऐसे ही निकाल देना जैसे पिछला वर्ष निकला है, अगर कुछ भूल चुक हुई है तो उससे ऊपर उठेंगे, पुराने संस्कार स्वभाव को छोड़ कर जाएंगे कि कुछ प्लानिंग करिए कि नहीं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ अपने लिए तो नहीं सोचना है ना, बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद क्यों, तो सबका सोचेंगे ना, क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावन हार लेकिन करने के निमित्त तो आप हो ना। तो बाबा ने हमें फिर एक बार अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाया कि सिर्फ स्व प्रति नहीं सोचना है, हम कितनी आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने परिवार, ब्राह्मण परिवार, विश्व के परिवार के प्रति निमित्त आत्माएं हैं। तो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म उन पर प्रभाव डालता है, इसलिए बहुत सोच समझ कर हमें अपने आप को सेट करना है और अब अपने को संपूर्ण बनाना है। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा सवाल। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे कौन सी सेवा भी साथ साथ और नेचुरल हो? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए कर्मणा, ऑप्शन बी मन से, ऑप्शन सी शुभ भावना शुभ कामना, ऑप्शन डी धन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब ताकि तीसरे प्रश्न का भी दीजिए आप सही जवाब लेकर जाइए 10 पॉइंट, तो मजा आ जाए, फिर आप बन जाएंगे तारी दिल तक मशीन आत्माए। तो वक्त समाप्त हुआ, सही जवाब ऑप्शन बी मनसा। तो पावर ऑफ प्रकाश की टीम आपको ये सेवा करने का पूरा मौका दे रही है, तो उठाइए इस मौके का फायदा, जुड़े रहे पावर ऑफ प्रकाश के साथ। तो चलिए बधाइयां भी बहुत सारी लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, क्योंकि आपने मौके का फायदा उठाया और आप हर रोज मौके का फायदा पूरा उठाते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाइयां। इस प्रश्न का भी दिया है सही जवाब, इसके लिए भी कांग्रेचुलेशन। तो चलिए बहुत सारी बधाइयों से, दुआओं से, आशीर्वादों से आपका नया साल संपन्न हो रहा है, इसलिए आप तो बहुत ही भाग्यवान आत्माएं हैं। अब बढ़ते आगे, रहते हैं आपके सामने आज का चौथा सवाल। जहाँ मंत्र होता है वहाँ क्या जल्दी आती है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सफलता, ऑप्शन बी नवीनता, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन डी अंतर। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय का इशारा, वक्त समाप्त, सही जो ऑप्शन डी अंतर। तो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मालूम है चला देखते देखते 40% खेल पूरा हो गया, चार प्रश्नों का आपने दे डाला है सही जवाब और आधा काम तो आपका हो गया है। तो बधाई हो बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक है। और अगर 40 पॉइंट तक आप पहुंच चुके हैं तो आपको तो 40 गुना बधाई आप बनती है, तो मुबारक हो। तो चलिए हम मुबारक लेते हुए ज्ञान भी लेते। बाबा कहते हैं आज नव विश्व निर्माता विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माणकर्ता बच्चों को देख रहे हैं। देखिए नया वर्ष आया है तो बाबा उसमें देख भी किन भाई बहनों को रहे, नव निर्माणकर्ता आत्माओं को जो जो है नए विश्व के निर्माण के कार्य में निमित्त बने हुए भाई बहन उनको देख रहे हैं। बाबा कहते हैं आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण कार्य करने के कार्य में समीप संबंधी हो, वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी है, वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी है, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। ऐसे तो प्रकृति, साइंटिस्ट, मंत्री वगैरह सब बाबा के कार्य में सहयोगी है, लेकिन हम समीप के साथी हैं क्योंकि हम रिलेशनशिप है ना बाप के साथ हमारा, हम संबंधी है ना उसके,
बाप है वो हमारा, हम उसके बच्चे, तो हमारा ज्यादा वैल्यू है। तो कितने भाग्यवान हैं हम। बाबा कहते हैं सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है, दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यही लगन है ना कि इस विश्व को ऐसा नया बना देवे जो सब बातें नई हो जाए, मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सब सतु प्रधान नए बन जाए। तो कितनी बाबा है हमारी वैल्यू करता, उतनी वैल्यू हमें हमारी भी होनी चाहिए, बाप की कार्यों की भी होनी चाहिए। और वैसे ही निर्माणता के कार्य में बड़े ही निर्माण भाव से, निमित भाव से हमें कार्य करते रहना है। तो चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं आज का पांचवा सवाल। सहयोग में रहते हैं वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी और क्या बनेंगे? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए साथी, ऑप्शन बी स्नेही, ऑप्शन सी साहसी, ऑप्शन डी समर्थ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब है ऑप्शन बी स्नेही। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। देखते ही देखते 50% खेल पूरा और आप भी भरपूर हो गए हैं, ज्ञान से भी और पॉइंट से भी। दिल की दुआएं तो आप सभी को मिल ही रही, उससे तो आपके खजाने भरपूर है ही, इसीलिए आपको तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह है। तो बधाई हो, बधाई हो। तो चलिए बहुत सारी बधाइयाँ आप सभी ने ले ली है। बढ़ते आगे रखते हैं आज का छठवां प्रश्न। मनसा की क्वालिटी को बढ़ा तो क्या समी पाएगी? चार ऑप्शन, ऑप्शन ए क्वालिटी, ऑप्शन बी विजय, ऑप्शन सी सफलता, ऑप्शन डी संपूर्ण। टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाबा कहते हैं मनसा की क्वालिटी को अगर बढ़ाएंगे तो क्या समी पाएगी? बताना है आपको सही जवाब। कुछ सेकेंड्स का वक्त रह गया है। वक्त समाप्त हुआ। सही जो ऑप्शन है क्वालिटी। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारके, बहुत बहुत मुबारके, मुबारके, मुबारके। तो देखते ही देखते छठे प्रश्न का भी जवाब देने का वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब भी दिया और 10 पॉइंट्स भी अपने नाम कर लिए हैं। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते हैं ज्ञान की ओर, ज्ञान से भरपूर होने का वक्त। बाबा कहते हैं उड़ती कला वालों की विशेषता है कि अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशन सपने और दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहे, मनसा सदा इस सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनसा हमारी कैसी हो जाए? हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना निकलती रहे, यही उड़ती कला वाली आत्मा की निशानी है। बाबा कहते हैं जैसे वाचा सेवा की नेचुरल आदत है, वैसे मनसा की भी सेवा की भी आदत हो। इसलिए पावर ऑफ प्रकाश की टीम आपको मदद दे रही है, बाबा के द्वारा आपको, निमित्त टीम के द्वारा आपको मदद मिल रही है, उस मदद का पूरा फायदा उठाए, मनसा सेवा को बढ़ाए। बाबा कहते हैं अगर सेवा नहीं मिलती है तो अपने को खाली अनुभव करते हो, ऐसे हर समय वाणी के साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के बहुत अच्छे प्लान्स बनाते हो, यह कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, तो वाचा सेवा में बिजी रखने के लिए एक दूसरे के पीछे दूसरा प्लान सोचते ही हो, इसमें बिजी रहना आ गया, इसमें तो आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अब बाबा कहते हैं मनसा सेवी में भी, सेवा में भी बिजी रहो, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं। तो माइनॉरिटी है अभी, मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए हमें अब मनसा सेवा पर भी अटेंशन देना है। तो चलिए बहुत सारी मीठी बातें हमने समझी हैं, अब बढ़ने की बारी आ गई। आगे रखते हैं आपके सामने सातवां सवाल। इस समय की प्रालप सबसे श्रेष्ठ है, क्या भविष्य की तो है ही? चार ऑप्शन, ऑप्शन है प्रालप, ऑप्शन बी वरदान, ऑप्शन सी गारंटी, ऑप्शन डी खुशी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, बताइए और ले जाइए 10 पॉइंट्स। और समीप मंजिल के आप पहुंच रहे हैं। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन सी गारंटी। तो कांग्रेचुलेशंस,
कि अगर आपके पास 70 पॉइंट्स आ गए हैं तो आप बस अब कुछ प्रश्नों की दूरी पर हैं, एक दो प्रश्न की दूरी और बस ताज आपके नाम। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ और बधाइयाँ। लेकिन अगर नहीं 70 पॉइंट्स तो भी घबराइए मत, और आपके सामने 3 सवाल आएंगे, मौका आपके पास है, फायदा उठाइए। चलिए बढ़ते आगे, रखते हैं आज का 8वां सवाल। सेवा स्थान वह है, जन्म स्थान क्या है? 4 ऑप्शन, ऑप्शन विदेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी मधुबन, ऑप्शन डी संगम। यू कैन योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी मधुबन। सेवा स्थान में है, जन्म स्थान मधुबन है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपके पास 80 पॉइंट्स है तो सिल्वर क्राउन आपका, तो बधाई हो जी, बधाई हो। चलिए बधाइयाँ बहुत सारी ली हैं, बढ़ते आगे, रिवाइज करते हैं मीठी मीठी मुरली को, क्योंकि मुरली है जो आगे बढ़ाती है। बाबा कहते हैं दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आएगी। ज्ञान रत्नों से भी श्रृंगार हमने कर लिया है, बारी आगे बढ़ने की, रखने की 9वां सवाल। तो हिसाब का किताब खत्म, माना कोई उधार नहीं, और क्या, 4 ऑप्शन, ऑप्शन जमा का खाता, ऑप्शन बी होशियार, ऑप्शन सी कोई कर्ज नहीं, ऑप्शन डी सब खाते साफ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताना है आपको 9वें प्रश्न का सही जवाब, ताकि आप यहाँ से ले जा सके ताज। वक्त समाप्त। सही जो ऑप्शन डी सब खाते साफ। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक। प्रश्न का दिया सही जवाब, 10 पॉइंट्स फिर एक बार आपके पास क्रेडिट हो गए हैं, और आपका खाता 90 पॉइंट्स अगर संपन्न है तो गोल्डन क्राउन हम लाए हैं आपके लिए। तो मुबारक हो जी, मुबारक हो, करे इसे स्वीकार, बाप दादा की तरफ से आपको गोल्डन क्राउन मिल रहा है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, आप भी गोल्डन एज में चले और गोल्डन दुनिया का आनंद लें। अभी से अनुभव करें, जब गोल्डन क्राउन मिल चुका है तो इस नशे में रहे, मैं तो गोल्डन क्राउन ताजधारी आत्मा हूँ, बस फिर तो क्या बात हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं इसी खुशी को, और चार चांद लगाएंगे, आप रखेंगे आपके सामने आज का अंतिम सवाल। किससे किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती? 4 ऑप्शन, ऑप्शन पतित दुनिया, ऑप्शन बी दुख धाम, ऑप्शन सी कलयुग, ऑप्शन डी देह विमान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सही जो ऑप्शन भी दुख धाम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कर दिखाया है कमाल और आप बन चुके हैं ताजधारी। तो मुबारक हो, मुबारक हो, अनुभव करें बाप दादा का वरदान हाथ सिर पर है। बाबा वरदान दे रहे मीठे बच्चे, मास्टर मुरलीधर भवा सर्वशक्तियों से आपको भरपूर कर रहे हैं और भरपूर कर चुके हैं। तो बहुत बहुत बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ मेरे सभी प्यारे मीठे भाइयों और बहनों को, और आपके सामने ये ताज सुपेश भाई आपके लिए, हाँ जी आपके लिए। बस इस ताज को पहन लीजिए सूक्ष्म रूप में, और अपनी जिम्मेवारी को फिर एक बार इमर्ज करिए कि आप जिम्मेवार आत्मा हैं, विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त हैं। तो बहुत बहुत आपको ये श्रेष्ठ स्मृति जब बनी रहेगी तो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ ही होगा। अच्छा अब हमें दीजिए छुट्टी, हम आपसे लेते हैं विदाई, हम आपसे फिर मिलेंगे आपके ही अपने फेवरेट शो में। रखिएगा ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। ओम शांति।